और कल हमने पढ़ा कि मैरी क्या करती थी, एक वकील के पास नौकरी कर ली थी और क्या की वहां पर बैठकर वो विज्ञान की पुस्तकें पढ़ा करती थी। तो हम किसके विषय में पढ़ रहे हैं, मैडम क्यूरी जो कि एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट थी जिनको कि 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, और उनके पति का क्या नाम था, पियरे क्यूरी, इसलिए उनको मैडम क्यूरी नाम से जाना जाता था। और उन्होंने 16 वर्ष की ही आयु में क्या किया था, गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, स्वर्ण पदक। तो उनकी जो उपलब्धियां अब तक थी ये पढ़ा, अब आगे वो कैसे वैज्ञानिक बनी इस संघर्ष के विषय में हम पढ़ेंगे। उनका विज्ञान विवाह भौतिक विज्ञानी पियरे क्यूरी से हुआ था। दोनों पति पत्नी अपनी अनुसंधान शाला में दिन रात काम करते थे। तो उनके जो पति भी थे वो भी एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, तो दोनों मिलकर दिन भर अपने लैब में कुछ न कुछ कार्य करते रहते थे। अपनी कठिनाइयों के बावजूद वे अपना अधिकतर धन अनुसंधान कार्य में व्यय करते थे। तो जो भी वो पैसे कमाते थे उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने लैब में जहाँ पे वो प्रैक्टिकल किया करते थे, जहाँ पे वो खोज किया करते थे, उसके लिए खर्च कर देते थे। उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, पर जो भी कमाते थे वो भले खाने पीने को हो ना हो, लेकिन वहाँ लैब में जो ज़रूरत है वो उसकी पूर्ति करते थे। तो कठिनाइयों के बावजूद वो अधिकतर धन अनुसंधान कार्य में व्यय करते थे। प्रायः उनके पास भोजन के लिए भी पर्याप्त धन नहीं बचता। उनकी अनुसंधान शाला एक खाली पड़ा गोदाम थी। तो जो उनका लैब था वो कैसा था, एक खाली पड़ा गोदाम था जिसको कि उन्होंने एक लैब के रूप में बना लिया था। भले ही खाने पीने को ना हो लेकिन वो लैब का सारा सामान समय पर एकत्र कर लेते थे, जब जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वो रखते थे। पियरे और मैडम क्यूरी ऐसे अनुसंधान में लगे हुए थे जिससे रात के अंधकार में भी चमकदार किरणें निकलती हो। तो दोनों मिलकर एक ऐसा आविष्कार करना चाहते थे जो कि रात के अंधेरे में भी क्या दिखे, प्रकाश दिखाई दे, उजाला दिखाई दे। 4 वर्षों के अथक प्रयास के बाद उन्हें सफलता मिली। तो इसके लिए उन्होंने 4 वर्ष तक लगातार प्रयास किया, तब जाकर उनको कहीं सफलता मिली, वो लोग उस खोज को कर पाए। उन्होंने रेडियम का आविष्कार कर लिया, और दोनों ने मिलकर क्या किया, रेडियम का आविष्कार कर लिया। इस आविष्कार से सारा संसार चकित रह गया। रेडियम के आविष्कार के लिए सन 1903 में पियरे और मैडम क्यूरी दोनों को संयुक्त रूप से भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोनों ने मिलकर इस आविष्कार को किया था, तो इसलिए दोनों को मिलकर ही नोबेल पुरस्कार मिला। किस लिए मिला, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में उन्होंने जो इतनी बड़ी खोज की थी रेडियम की, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। दोनों को संयुक्त रूप से एक साथ मिला, दोनों क्योंकि मिलके किए थे इस कार्य को। नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने के 3 साल बाद पियरे की एक दुर्घटना में देहांत हो गया। तो जब नोबेल पुरस्कार मिला उसके बाद वो लोग आगे और कुछ आविष्कार करने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन क्या हुआ, एक दुर्घटना, एक एक्सीडेंट में जो उनके पति थे उनका देहांत हो गया, मैडम क्यूरी के पति का देहांत हो गया। इस दुर्घटना ने मैडम क्यूरी को बहुत बड़ा आघात पहुंचाया। तो ये जो दुर्घटना थी ये मैडम क्यूरी के लिए भी बहुत दुखदाई थी, बहुत दर्दनाक था, परंतु वे अनुसंधान कार्य में लगी रही। लेकिन वो क्या की, अनुसंधान कार्य जो था उसमें वो लगातार लगी ही रही। 1911 में उन्होंने दोबारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और जो 1911, इसके पहले कब मिला था, 1903 में, फिर 1911 में उनको दोबारा, उनको अकेले को नोबेल पुरस्कार मिला। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, एक 1903 में, एक 1911 में। दीन दुखियों के दुखों को देखकर मैडम क्यूरी का हृदय पिघल जाता था। तो मैडम क्यूरी थे जो बहुत, उनका दिल बहुत क्या था, सॉफ्ट था। तो दीन दुखी गरीब लोगों को देखकर उनका दिल बहुत दुखी होता था। तो प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने चिकित्सा का प्रबंध स्वयं किया। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो वो उनके आंखों के सामने हो रहा होगा, तो उन्होंने चिकित्सा यानी मेडिकल की जो फैसिलिटी थी वो उन्होंने ही की थी। वे स्वयं घायलों की सेवा करती थी, और वो क्या करती थी, घायलों की सेवा भी किया करती थी। रेडियम के चमक को लगातार देखने के कारण मैडम क्यूरी की आंखें खराब हो गई, उनका स्वास्थ्य भी दिन ब दिन गिरने लगा। और रेडियम के आविष्कार के कारण क्या हुआ, लगातार उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, आंखें खराब हो गई, उनका स्वास्थ्य भी दिन ब दिन गिरने लगा, मतलब वो बीमार रहने लगी। जब उनको दिखाई नहीं देता था तो वो बीमार भी रहने लगी।
तो आज रेडियम की सहायता से कैंसर का सफल उपचार किया जाता है, परंतु यह भाग्य की विडंबना ही है कि रेडियम का आविष्कार करने वाली इस महिला की मृत्यु 4 जुलाई 1934 को कैंसर से ही हुई थी। संसार में उनका नाम सदा अमर रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी था कि जिसने रेडियम के लिए रेडियम का आविष्कार किया, जो कि कैंसर की बीमारी का इलाज करने में सहायक है, लेकिन उसकी मृत्यु भी कैंसर जैसी बीमारी से ही हुई। तो ये बहुत दुखद था कि उनकी जो मृत्यु का कारण भी था कैंसर, तो उनकी मृत्यु के बाद भी यही कहा जा रहा है कि जो उनके आविष्कार है, खोज है, वो कई सालों तक अमर रहेंगे। तो उसी प्रकार जो मैडम क्यूरी भी है, वो हम सभी के यादों में अमर रहेंगी। तो इस पाठ में हमने मैडम क्यूरी की खोज और उनकी उपलब्धियों के विषय में पढ़ा। तो इसके प्रश्न उत्तर आपको PDF फाइल में उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।